प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। क्या ये जादू था या हाथ की सफाई? नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ हवा का कमाल था। वही हवा जो हमेशा हमारे आसपास है और हम पर दबाव डालती है। तो कोई ऐसी जगह है जहां हवा ना हो? ये डब्बा ही ले लीजिए। ये खाली तो हो गया पर अब भी हवा तो है ना इसमें। और ये पिचकारी, पिचकारी में रंग भरते समय जब हम हैंडल को ऊपर खींचते हैं तो वॉशर और रंग के बीच एक खाली स्थान बन जाता है। आखिर ये है क्या? ये सवाल हमारे आसपास हवा की तरह तैरते रहते हैं और यही सवाल सदियों पहले एक महान ग्रीक दार्शनिक एरिस्टोटल के मन में भी उठे थे। ये बात है लगभग 384 ईसा पूर्व की। एरिस्टोटल अपने शिष्यों के साथ इसी खाली जगह के बारे में विवाद कर रहे थे। इस पिचकारी को देखिए, इसके पिस्टन को जब हम खींचते हैं तो उसमें पानी क्यों भर जाता है, खाली क्यों नहीं रहता? क्योंकि हवा की जगह को पानी ले लेता है। मगर ऐसा क्यों होता है? ये तो आप ही बताइए। मेरा मानना है कि प्रकृति को निर्वात यानी वैक्यूम पसंद नहीं। हवा में वजन होता है, तो जिस जगह वातावरण में ज्यादा हवा होगी वहां हम धीरे चलेंगे और जहां कम हवा होगी वहां हम ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल नहीं, ये मुमकिन नहीं। इसीलिए निर्वात भी मुमकिन नहीं। अब इस खाली ग्लास को ही देखिए। अगर इसे एक पानी से भरे टब में उल्टा कर दिया जाए तो क्या होगा? क्या ग्लास में पानी भर जाएगा या नहीं? ग्लास तो खाली था, तो क्या पानी ग्लास के अंदर जाएगा? इसको बेहतर समझने के लिए हम एक और प्रयोग करते हैं। हम ग्लास में एक कागज का गोला बनाकर डालते हैं। इस ग्लास को अब पानी से भरे टब में उल्टा कर देते हैं। क्या कागज गीला होगा? ग्लास के अंदर अगर पानी गया होगा तो कागज जरूर गीला हो जाएगा, वरना वो सूखा रहेगा। अब हम देखते हैं कि क्या हुआ। ये देखिए, कागज सूखा है। इसका मतलब है कि पानी अंदर नहीं गया। पर क्यों? क्योंकि सच में ग्लास गीला नहीं था। ग्लास के अंदर हवा थी, इसलिए पानी अंदर नहीं गया। एरिस्टोटल ने तो सिर्फ तुक्का लगाया था कि निर्वात मुमकिन नहीं है, मगर उनके पास इसकी पुष्टि के लिए कोई सबूत नहीं था। 17वीं शताब्दी में जन्मे एक वैज्ञानिक जानना चाहते थे कि क्या निर्वात बनाया जा सकता है। इन वैज्ञानिक का नाम था ऑटो फॉन गेरिक।
निर्वात के रहस्य को समझने के लिए गैरिक ने एक प्रयोग किया। गैरिक ने 30 सेंटीमीटर की चौड़ाई की दो तांबे की कटोरियां ली। एक कटोरी के अंत पर छल्ले लगे थे और दूसरी का एक सिरा खुला था। गैरिक ने दोनों कटोरियों को चिकनाई लगाकर कस दिया। फिर गैरिक ने अपने शक्तिशाली पंप द्वारा इन जुड़ी हुई कटोरियों में से हवा को तब तक बाहर खींचा जब तक उन्हें यह नहीं लगा कि सारी हवा बाहर आ गई है, और फिर उन्होंने मुहाने को बंद कर दिया। गैरिक का प्रयोग देखने के लिए सारा शहर इकट्ठा हुआ था और गैरिक ने भी प्रदर्शन में कोई कमी न छोड़ी। उन्होंने कटोरियों को दोनों ओर से रस्सियों से बांध दिया और उनके साथ साथ 15-15 घोड़े बांध दिए। अब पूरा शहर देख रहा था कि क्या ये घोड़े इन कटोरियों को अलग कर पाएंगे। गैरिक ने पंप लगाकर अंदर की हवा खींच ली थी, जिससे उन्होंने कटोरियों के अंदर आंशिक निर्वात या पार्शियल वैक्यूम बनाया था। बाहर की हवा का दबाव अंदर की हवा से बहुत ज्यादा हो गया, इसीलिए वो 15-15 घोड़े यानी आप जैसे 300 लोग भी उन कटोरियों को अलग नहीं कर पाए। गैरिक ने इस प्रयोग को अपने जन्म स्थान जर्मनी में मैग्डेबर्ग नाम के एक शहर में किया था, और इसीलिए प्रयोग में इस्तेमाल की गई उन कटोरियों को हम आज मैग्डेबर्ग हेमिस्फेयर्स के नाम से जानते हैं। मैग्डेबर्ग हेमिस्फेयर्स के तत्वों पर आधारित एक बेहतरीन उदाहरण प्रकृति में पाया जाता है, छिपकली के पैर। छिपकली के पैरों में ऐसे खास सक्शन पैड्स लगे होते हैं जो उसे दीवार पे चलने में मदद करते हैं, क्योंकि इन सक्शन पैड्स में आंशिक वैक्यूम होता है जिसकी वजह से छिपकली दीवार से चिपकी रहती है और चलने पर नीचे नहीं गिरती। क्यों ना हम गैरिक के कथन को इस तरीके से समझें। ये आम बोतल तो कोई भी आसानी से खोल सकता है। अब बोतल में जलता हुआ कपूर डालें और बोतल को बंद कर दें। बोतल को खोलने की कोशिश करें, मगर अब बोतल को खोलना काफी मुश्किल हो गया है। आखिर क्यों? क्योंकि कपूर को बोतल में डालने से बोतल के अंदर मौजूद हवा गर्म हो गई। ये गर्म हवा ऊपर की तरफ उठकर फैल गई और बाहर निकल गई। तब हमने बोतल का ढक्कन बंद कर दिया। अब बोतल के अंदर की हवा बाहर की हवा से कम हो गई और बाहर की हवा ने ढक्कन पर इतना दबाव डाला कि वो काफी ताकत लगाने के बावजूद भी खुल नहीं सकी। पंद्रहवीं शताब्दी के अंत में यूरोप में धातु का औद्योगिक उपयोग बढ़ रहा था, जिस वजह से वहां काफी खदानें खोदी जा रही थी, पर खनन के समय खदानों में पानी भर जाता और बाल्टी से पानी निकालने में बहुत समय लगता था। तो पानी को निकालने के लिए सक्शन पंप्स का इस्तेमाल किया गया, पर फिर यह देखा गया कि बढ़िया से बढ़िया पंप के इस्तेमाल से भी पानी अपने आधार स्तर से 10.5 मीटर से ऊपर खींचता ही नहीं था। उस समय के महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने इस समस्या का हल ढूंढने की ठानी। वे अपने दो शिष्यों इवेंजेलिस्टा टोरिचेली और जियोवानी बातिस्ता बालियानी को लेकर एक कुएं पर पहुंचे। कुआं बहुत गहरा था। गैलीलियो के निर्देश के मुताबिक शिष्यों ने कुएं में एक पाइप डाला। ये पाइप एक सक्शन पंप से जुड़ा था। टोरिचेली और बालियानी ने पंप चलाना शुरू किया। हवा बाहर आती
और पानी ऊपर उठता गया। लेकिन पानी अपने आधार स्तर से 10.5 मीटर ऊपर आकर रुक गया। उन्होंने अपने शिष्यों को और जोर से खींचने को कहा। अपना पूरा दम लगाने के बाद भी पानी उससे ऊपर नहीं उठा। गैलीलियो चक्कर में पड़ गए। आखिर हर बार पानी एक ही ऊंचाई तक क्यों उठता है? उससे ज्यादा क्यों नहीं खींच सकता है? पर इस गुत्थी को सुलझाने से पहले ही गैलीलियो चल बसे। इवेंजेलिस्टा टोरिचेली ने गैलीलियो के जाने के बाद इस समस्या का समाधान निकालने की ठानी। टोरिचेली का ये प्रयोग आज हम करके देखते हैं। उनकी तरह हम भी मर्क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हमें 100 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब चाहिए जिसका सिरा एक तरफ से खुला हो। इसे पूरा का पूरा मर्क्यूरी से भरकर खुले हुए सिरे को उंगली से बंद कर देते हैं। अब ट्यूब को एक ऐसे टब में पलट देते हैं जो पहले ही मर्क्यूरी से भरा हुआ है। टेस्ट ट्यूब में मर्क्यूरी का स्तर गिर रहा है और गिरकर 76 सेंटीमीटर तक आ गया है। मगर मर्क्यूरी का स्तर पूरी तरह क्यों नहीं गिरा? मर्क्यूरी के अपने भार ने भी उसे पूरी तरह बाहर क्यों नहीं निकलने दिया? टोरिचेली ने भी उस वक्त कुछ ऐसा ही देखा था। टोरिचेली के अनुसार कोई ऐसा दाब जरूर था जो मर्क्यूरी को विपरीत दिशा में धकेल रहा था और ट्यूब में भरी मर्क्यूरी को और नीचे गिरने से रोक रहा था। इस दाब को हम आज एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब के नाम से जानते हैं। मगर उस समय ये केवल टोरिचेली का अनुमान ही था। अपने इस अनुमान को परखने के लिए उन्होंने यही प्रयोग अलग अलग द्रवों के साथ किया, जैसे कि तेल, शराब आदि। ऐसा इसलिए क्योंकि इन सभी द्रवों का घनत्व अलग अलग है। क्या घनत्व बदलने से द्रव के स्तर में भी बदलाव आता है? टोरिचेली ने तेल को टेस्ट ट्यूब में डाला और पाया कि तेल का स्तर गिरा, लेकिन तेल का स्तर मर्क्यूरी के स्तर से अलग था और शराब इसका स्तर इन दोनों से अलग था। इससे टोरिचेली ने समझा कि मर्क्यूरी की तरह हर द्रव के खुद का भार उसे नीचे धकेलता है, पर टब में एकत्रित द्रव पर पड़ता वायुमंडलीय दाब भी उस पर विपरीत दिशा में दबाव डालता है और एक सतह पर ये दोनों दबाव संतुलित हो जाते हैं। इससे उन्होंने देखा कि हर द्रव के घनत्व के अनुसार वो द्रव एक विशिष्ट स्तर पर आकर रुक जाता है। मर्क्यूरी के लिए ये सतह 76 सेंटीमीटर है और पानी के लिए लगभग 10.5 मीटर, क्योंकि मर्क्यूरी पानी से 13.5 गुना भारी है। मतलब ये कि 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी और 10.5 मीटर पानी का भार एक बराबर है। पर एक चीज अब भी टोरिचेली को समझ में नहीं आई थी। आइए हम भी इसे दोहरा कर देखते हैं। जब टेस्ट ट्यूब को पलटने पर मर्क्यूरी का स्तर गिरता है तो ट्यूब के ऊपरी हिस्से में एक खाली स्थान बन जाता है। ये खाली जगह क्या है? क्या इसमें हवा है या फिर निर्वात? इसे परखने के लिए ट्यूब को टब के अंदर ही झुकाना शुरू करते हैं। हम इसे तब तक झुकाते हैं जब तक वो 76 सेंटीमीटर से भी नीचे ना झुक जाए। अब ट्यूब में खाली जगह नहीं रही है, वो पूरी की पूरी मर्क्यूरी से भर गई है। अगर खाली जगह में हवा होती तो हवा के बाहर निकलने पर बुलबुले जरूर बने होते, पर ऐसा नहीं हुआ। यानी ये खाली स्थान हवा नहीं, निर्वात है। टोरिचेली ने भी यही सोचा था, लेकिन अपने विचारों की पुष्टि करने के लिए उन्होंने यही प्रयोग अपने मित्र बालियानी के सामने दोहराने की सोची। इस बार भी मर्क्यूरी का स्तर गिरा,
पर 76 सेंटीमीटर के बाद भी स्तर गिरता गया और आखिर 74.98 सेंटीमीटर पर जाकर रुक गया। यानी आज मर्करी पहले से भी ज्यादा गिरा। दोनों वैज्ञानिक चक्कर में पड़ गए। दोनों दिन प्रयोगों में कोई अंतर नहीं था, तो मर्करी का स्तर पहले से ज्यादा क्यों गिरा? उनका विचार था कि दोनों दिनों में सिर्फ एक ही फर्क था, मौसम का। एक दिन मौसम सामान्य था और दूसरे दिन तूफानी। उन्होंने सोचा कि क्या ऐसा हो सकता है कि वायुमंडलीय दबाव मौसम के साथ बदलता है? ये जांचने के लिए उन्होंने मर्करी ट्यूब को कुछ दिनों के लिए इसी अवस्था में छोड़ दिया। नतीजा, मौसम के बदलने पर टेस्ट ट्यूब के अंदर भरे मर्करी के स्तर में भी अंतर आया। असल में पृथ्वी पर मौजूद हर एक चीज पर वायुमंडलीय दबाव पड़ता है। फिर चाहे वो मनुष्य हो या कोई वस्तु, और पृथ्वी के वायुमंडल में हर तरफ हवा है। इस हवा का फैलाव पृथ्वी की सतह से लेकर अंतरिक्ष की सीमा तक है। तो हर स्क्वायर सेंटीमीटर पर हमेशा 960 किलोमीटर ऊंचे हवा के स्तंभ जितना वजन रहता है, यानी लगभग 1000 किलो या 10 मोटरसाइकिल्स जितना। मानव शरीर को इस दबाव की आदत है। हमारे पेट, फेफड़ों और कान में हवा आती जाती रहती है और शरीर के अंदर और बाहर का दबाव लगभग बराबर होता है। पर ऐसी जगह पर क्या होगा जहां वायुमंडलीय दबाव ना के बराबर हो? जैसे चांद पर। चांद पर एक खास स्पेस सूट पहनना पड़ता है। ये सूट कृत्रिम वायुमंडलीय दबाव उत्पन्न करता है। यदि हम ये सूट ना पहने तो हम एक गुब्बारे की तरह फूलकर फट जाएंगे। हम ये सब कुछ आज जानते हैं, पर 17वीं शताब्दी में वैज्ञानिक अब भी वायुमंडलीय दबाव को समझने में जुटे हुए थे। उस समय एक 21 साल के फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेस पास्कल ने टोरिचेली के प्रयोग के बारे में सुना था। पास्कल ने सोचा कि यदि टोरिचेली के विचारों के मुताबिक सभी वस्तुओं पर वायुमंडलीय दाब पड़ता है, तो ये दबाव जमीन पर ज्यादा होना चाहिए और पहाड़ पर कम। वे अपना ये अनुमान टोरिचेली की मर्करी प्रक्रिया द्वारा परखना चाहते थे, मगर स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वो ये प्रयोग खुद ना कर सके। तो उन्होंने अपने एक रिश्तेदार पेरियर की मदद ली। पेरियर ने टोरिचेली के प्रयोग पर आधारित दो मर्करी व्यवस्थाएं तैयार की। एक मर्करी व्यवस्था को पेरियर ने पहाड़ के नीचे रखा और उसका अनुसरण करने के लिए एक पादरी को कहा। दूसरी मर्करी व्यवस्था के साथ पेरियर खुद पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। अब मर्करी का स्तर गिरने लगा और गिरते गिरते 59.43 सेंटीमीटर तक पहुंच गया, जो 76 सेंटीमीटर से लगभग 16 सेंटीमीटर कम था। अब वो पहाड़ी के नीचे मर्करी के स्तर में बदलाव को जानने के लिए उत्सुक थे। वहां स्तर 66.14 सेंटीमीटर था, यानी उसमें पहाड़ी के स्तर से कम बदलाव आया था। मतलब ये कि पहाड़ी के ऊपर और पहाड़ी के नीचे मर्करी के स्तर में लगभग 6 सेंटीमीटर का अंतर था। इससे पास्कल ने यह अनुमान लगाया कि पहाड़ के नीचे हवा का स्तंभ ज्यादा था, इसलिए वायुमंडलीय दबाव ज्यादा था, और पहाड़ी के ऊपर हवा का स्तंभ कम था।
इसलिए वायुमंडलीय दबाव भी कम था। अनजाने में अपनी मर्क्यूरिक ट्यूब्स की व्यवस्था से टोरिचेली ने दुनिया का पहला बैरोमीटर बनाया। बैरोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे हम हवा का दबाव नाप सकते हैं। हवा का दबाव ज्यादा होने पर मर्क्यूरी का स्तर ऊंचा रहता है और हवा के कम दबाव के दौरान मर्क्यूरी का स्तर गिरता है। ऐसे वक्त मौसम के तूफानी होने की संभावना बढ़ जाती है। यही नहीं, बैरोमीटर के आविष्कार के बाद हर वो मशीन जिस पर वायुमंडलीय दबाव प्रभाव डालता है उसका इस्तेमाल बैरोमीटर ने मुमकिन कर दिया है। तो अब तो आप उस अंडे का फंडा समझ गए होंगे। अंडा बोतल में इसलिए गिर गया क्योंकि जलती माचिस की वजह से अंदर की कुछ हवा फैल गई और बाहर निकल गई। इससे अंदर हवा का दबाव कम हो गया और बाहर वायुमंडलीय दबाव ज्यादा, इसलिए ऐसा लगा जैसे बोतल ने अंडे को निगल लिया हो।